तहसील पुलिस की हद में एक व्यक्ति को रास्ते पर मोबाइल का उपयोग करना महंगा पड़ा। उसकी नजर हटते ही चोरों ने मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। खास बात यह है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तहसील पुलिस के मुताबिक गुंटर में रहने वाले शेख इदायतुल्ला वल्द शेख नबीब नागपुर में अपने व्यापार के सिलसिले में आए थे। हंसापुरी के एक छोटे से होटल से वह खाना खाकर निकले थे। इस दौरान वह किसी को मोबाइल पर मैसेज कर रहे थे कि तभी दो आरोपी दो पहिया वाहन पर आए और उनके हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। खास बात यह है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बरोबर है, दिनांक 13/1/2024 रोजी रात्री 10:45 सुमारास जो फिर्यादी गुंटूर आंध्र प्रदेश इथला है, नाव त्याचं शेख हिदायतुल्ला वल्द शेख नबी, हा जुने जे सी बी मशीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतो, त्यासाठी तो नागपूरला आला होता। एका हॉटेलला थांबला आणि जेवण करण्यासाठी मोमिनपुरात आला होता। जेवण करून तो परत पायी जात असताना काही मेसेज तो मोबाईलमध्ये टाईप करत होता। त्यावेळेस हे दोघं आरोपी मोटरसायकलने आले आणि त्याच्या हातातून मोबाईल त्यांनी हिसकवला, बडजबरीने चोरला आणि तिथून ते लगेच फरार झाले। फिर्यादीने त्याचा पाठलाग केला परंतु ते काही मिळाले नाहीत। फिर्यादी तसंच पोलीस स्टेशनला आला, त्याच्या घटनेचं गांभीर्य ओळखून लगेच आमचे नाईट अधिकारी होत्या ए पी आय ज्योत्सना भावसर मॅडम आणि डीबीची टीम लगेच घटनास्थळी रवाना झाली आणि गुन्हा दाखल केला। सकाळीपासून लगेच आमची डीबीची टीम एस आय अनिल ठाकूर आणि त्यांची टीम पथक लागलं, त्यांनी घटनास्थळावरील सी सी टी व्ही फुटेज चेक केले, तसंच ते तांत्रिक विश्लेषण वगैरे केलं आणि 24 तासाच्या आत हे आरोपी निष्पन्न केले आणि आरोपितांना मोहनपुरा येथून ताब्यात घेतलं। आरोपी एक आहे आमिर खान वल्द जाकीर खान, हा गुलशनगर येथील राहणारा आहे। दुसरा भुऱ्या उर्फ हितेश्याम, हा चुडी गल्ली मोहनपुरा इथला आहे। हे दोघांना ताब्यात घेतलं। आरोपी नंबर 2 भुऱ्या याच्याकडे मोबाईल त्याने घरी ठेवलेला होता, तो मोबाईल आपण रिकवर केला। तसंच आरोपींना पी सी आर घेतला, पी सी आरमध्ये असताना त्यांची एक चौकशी केली। चौकशीत त्यांनी अशाच प्रकारे 2 मोबाईल पण चोरलेले होते। असे एकूण 3 मोबाईल आणि त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेले मोटरसायकल असा जवळपास 1,13,000 मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे। आरोपी आजपर्यंत पी सी आरमध्ये आहे आणि तहसील पोलीस स्टेशनच्या डी बी टीमने 24 तासाच्या आत जो मोबाईल बडजबरीने आरोपीने चोरला होता तो रिकवर केलेला आहे। चांगली कामगिरी, सदर कामगिरीसाठी आम्हाला आमचे पोलीस प्रमुख माननीय रमितेश कुमार सर, पोलीस आयुक्त नागपूर शहर। इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में चाक चौबंद व्यवस्था रखना चाहिए, साथ ही समय समय पर जांच करना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश जुंकलवार की रिपोर्ट।